हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन में। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार जरूर हमारे इस चैनल को विजिट करके जाइएगा, हर प्रकार की दवा की जानकारी आपको मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हिमालय के ल्यूकॉल टैबलेट के बारे में। जी हाँ, हिमालय का ल्यूकॉल टैबलेट कंप्लीटली हर्बल और आयुर्वेदिक टैबलेट होता है जो कि खासकर महिलाओं के लिए उपयोगी होता है। जी हाँ, जब आपके महिलाओं के वेजाइना में जो सफेद पानी आना, जी हाँ, जिसे हम ल्यूकोरिया बोलते हैं, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी समस्या को दूर करता है। और वेजाइना यानी कि जनन समस्याओं से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जैसे आपके वेजाइना में इंफ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे फंगल इन्फेक्शन हुआ, या वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर ये ल्यूकॉल टैबलेट देते हैं और इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इस ल्यूकॉल टैबलेट के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंट क्या क्या चीज मिली हुई होगी, इसका उपयोग कहां कहां देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस टैबलेट की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, हिमालय का जो ल्यूकॉल टैबलेट होगा उसके कंपोजिशन की बात कर लें तो यहाँ पे तीनों नेचुरल कंटेंट, क्या क्या, धताकी, सतावरी और पुनर्नवा, सब के सब आयुर्वेदिक कंटेंट के द्वारा ये टैबलेट बनाई जाती है। जो कंपनी से बनाती है वो है हिमालय ड्रग कंपनी। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक बॉटल में 60 टैबलेट आती है जिसकी कीमत 160 से 180 के आसपास मिल जाती है। बात करेंगे यूजेस की। जी हाँ, ल्यूकॉल टैबलेट मेनली किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है? जी हाँ, ल्यूकॉल यानी कि ल्यूकोरिया का ट्रीटमेंट करता है। जी हाँ, ल्यूकोरिया क्या होता है? जब हमारा एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है वुमेन के वजाइना से, जेनाइटल पार्ट से, उसी को हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि जो हमारे वजाइना यूट्रस से रिलेटेड जो हमारा पेल्विक एरिया है उसमें जो भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हुई है उस डिजीज से भी राहत दिलाने का काम करेगा। तो आपका ल्यूकोरिया को ट्रीट करेगा और PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को भी दूर करने के लिए ये टैबलेट जानी जाएगी। फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है। देखिए, तीन अलग अलग कंटेंट हैं, तीनों का अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले धताकी की बात कर लें तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करती है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ल्यूकोरिया कॉज करते हैं या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज कर रहे हैं वेजाइना के अंदर, उसको मार गिराती है, उसको ट्रीट करने में सहायक होती है। सतावरी की बात कर लें तो ये एक तरह से एंटी फंगल एक्टिविटी इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक एक्टिविटी भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट भी रखती है। तो इतने ढेर सारे सतावरी के इफेक्ट होंगे जो कि सिनर्जिस्टिकली वर्क करती है आपके जो फंगाई वगैरह हैं, कॉमन फंगाई जिससे ल्यूकोरिया वगैरह हो रहा है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रही है, उन सारे बैक्टीरिया फंगस को किल करने के लिए ये जाने जाते हैं। फिर पुनर्नवा की बात कर ले तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन वगैरह हो गई तो उसको दूर करेगा और एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन यानी कि जो ऐठन वगैरह या दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा पेल्विक रीजन में होता है उसको दूर करने के लिए पुनर्नवा बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ ये अलग अलग जो हमारे पेन का सिम्टम है उस पेन के सिम्टम को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाएगी। तो इस प्रकार से धताकी, सतावरी और पुनर्नवा आपके ल्यूकोरिया PID को और जो पेन वगैरह है उसको दूर करने में सहायक होती है। फिर बात करेंगे डोजेज, सही डोज क्या होगा। देखो, सही डोज तो आपके डॉक्टर या आपके जो भी महिला डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके सलाह के बाद ही जितना डोज वो बताएं उतना डोज आपको लेना होगा। कॉमनली 1 से 2 टैबलेट आप दिन में ले सकते हो। बात करेंगे प्रिकॉशन की, क्या सावधानियां बरतनी है, तो जितना भी डोज बताया जाए कभी भी खुद से ज़्यादा ना लें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इस्तेमाल करने से पहले लेबल का डायरेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ें, कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में और डायरेक्ट सनलाइट से भी इसे दूर रखना चाहिए। फिर बात करेंगे साइड इफेक्ट, तो जैसा कि हमने बताया ये ल्यूकॉल टैबलेट कंप्लीटली हर्बल और आयुर्वेदिक टैबलेट होती है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया, जो कि अंग्रेजी दवा लेने के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सेफ मानी जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका हिमालय का ल्यूकॉल टैबलेट, एक ऐसा टैबलेट जो कि ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी आना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन में जो पेन वगैरह होता है, सूजन वगैरह हो जाता है, इन सारी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। इस मेडिसिन की जानकारी आपको कैसी लगी, अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला टैबलेट किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको ढेर सारे टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जेल जिसकी भी जानकारी चाहिए एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले मेडिसिन की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।